لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله सब्सक्राइब करें मेरे चैनल सैयद साद कादरी को और बेल आइकॉन दबाएं मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के ज़माने के हिंदुस्तान के बारे में हम बात कर रहे हैं और हिंदुस्तान की वो कौमें जिनका अरबों से अव्वल दौर में या तो वह आके अरब में रिहाइश पजीर हो गई या किसी वजह से अरबों का उनसे कॉन्टैक्ट हुआ, तो उन कौमों को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आज जिस कौम को हम जिक्र करेंगे उसको अरबी जबान में तो तका किराह कहा जाता है, ते काफ अलिफ काफ रे है तका किराह। पर ये तका किराह जो है ये तकरी है या ताकुर है, जिसको आप आम जबान में हिंदुस्तान पाकिस्तान के इलाके में ठाकुर कहते हैं। ठाकुर ये उसकी जमा है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये कौम खालिस हिंदुस्तानी है जिनकी बहादुरी और जवां मर्दी अरबों में भी जो है वो आम थी। लिसानुल अरब में हमें पता चलता है कि तकरी सिंध के जंगी अफसरों में से किसी एक को कहते हैं, इसकी जवां जो है वो तकाकिरा है और आखिर में हा को अजमियत की वजह से लगा दिया गया है। हिंदुस्तान के इन ठाकरों ठाकरों का तस्किरा इस्लामी तारीख में हमें मोहम्मद बिन कासिम के सिंध पर हमले और यहाँ राजा से जंग के सिलसिले में मिलता है। इससे पहले इस कौम का तस्किरा कम से कम मेरी नज़र से तो तारीख की किताबों में नहीं गुजरा। फुतूहुल बिल्दान में है कि जब मोहम्मद बिन कासिम ने मेहरान यानी कि दरियाए सिंध को उबूर करके कच्छ के राजा रासिल और राजा दाहिर का ताक़ुब किया तो राजा अपने ठाकुरों को लेकर मुकाबले में आया और उन्होंने जान तोड़ जंग की। इस ज़मीन में किताबों में आता है कि राजा से मोहम्मद बिन कासिम और मुसलमान इस हाल में मिले कि वहुआ अला फीलिन व हौलहु फीलतुन, के वो हाथी पर सवार था और उसके इर्द गिर्द हाथियों के झुंड थे। वमाहु तकाकिरा, और उसके साथ ठाकुर भी थे। और ऐसी जंग हुई कि जिसे कहते हैं ना कि क़ितालन शदीदन, के सख्त जंग हुई। लम यस्मऊ बिमिस्ले, के ऐसी जंग की मिसाल सुनने में नहीं आती। तो बाज़े किताबों में इसको यूं भी बयान किया गया है जैसे फुतूहुल बिल्दान, और इसी तरह बाज अरब शोरा ने इन ठाकुरों के इस मुकाबले को इनकी बहादुरी को अपनी शायरी में भी नकल किया है। बयासिरा की तरह तकाकुरा का जिक्र भी कदीम अरब में नहीं मिलता, इसलिए ख्याल है कि ये भी अहदे रिसालत में अरब में मौजूद नहीं थे। बयासिरा और तकाकुरा को सिर्फ ये खसूसियत हासिल है कि इस्लामी दौर के अव्वल दौर में ये अरबों से इनके किसी न किसी तरह रवाबित या किसी न किसी तरह मुकाबला आए, और यूं जो है इनका जिक्र हमें कदीम इस्लामी तारीख की किताबों में मिलता है। इंशाअल्लाह ताला अगले दर्स में उस आखिरी कौम का मैं जिक्र करूंगा जो उन छह कौमों में से कौम है जिसे अव्वल इस्लामी दौर या फिर कदीम इस्लाम से कबल ज़माने जाहिलियत के दौर में इनका जिक्र हमें अरब किताबों में या अरबों के यहाँ मिलता है। तो जिस कौम का हम जिक्र करेंगे अगले दर्स में इंशाअल्लाह वो है असाविरा। असाविरा तो इसका बड़ा तफसील से हमें जिक्र मिलता है क्योंकि ये बड़ी कदीम कौम है जो ईरान में के थ्रू फिर अरब में आई, और बहरहाल इसकी फिर तफसीलात है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बेल के आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सके और आप हमें हमारे लाइव सेशंस में भी ज्वाइन कर सकें। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें।